फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको व्हिप्ड क्रीम हम अपने घर में कैसे बना सकते हैं वो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। उसमें हम तीन तरह की बनाएंगे, एक तो वेनिला व्हिप्ड क्रीम बनाऊंगी, एक हम बनाएंगे चॉकलेट व्हिप्ड क्रीम, एक हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी व्हिप्ड क्रीम। तो आज मैं आपको कैसे ये सब चीजें बनाई जाती है घर में ये बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। जरूरत है जिसके लिए ये मैंने क्रीम बेल वेनिला व्हिप टॉपिंग क्रीम्स ली हैं। ये इससे अब मैं व्हिप्ड क्रीम बनाऊंगी और ये 1 kg जो है मुझे 200 रुपीज की मिली है और इजीली अवेलेबल है। और जैसे आप फ्रेश क्रीम से बनाते हो या मैदा से बनाते हो उसमें जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये सबसे इजी और सबसे बेस्ट तरीका है व्हिप्ड क्रीम बनाने का। इससे एक बार भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी बनाने में, एकदम से ये आपका बन जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हिप्ड क्रीम को हम व्हिप मीटर से उसको पहले फेटेंगे, उसको लो से हाई पर लेके जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। देखिए, सबसे पहले हम इसको बिल्कुल लो पे चलाएंगे और लो से होते होते हम इसको हाई पे ले जाएंगे। ये देखिए, अब मैंने इसको हाई पे कर दिया है और ये 7-8 मिनट में हमारी व्हिप्ड क्रीम बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। अभी देखिए, जितनी मैंने क्रीम ली थी उससे इसका मेरा वॉल्यूम भी डबल हो गया। ये देखिए, मैंने बिल्कुल आधा बाउल लिया था क्रीम का और अब देखिए मेरा बाउल पूरा ऊपर तक भर गया है। ये देखिए कैसे इसमें फ्लो आ रहा है। मेरा वॉल्यूम भी इसका डबल हो गया है क्रीम का। अभी इसको हम 2-3 मिनट के लिए और फेटेंगे तो हमारी ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अभी देखिए, हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है व्हिप्ड क्रीम। ये देखिए, अब हम इसको बंद कर देंगे और ये देखिए ये स्पीक्स आने लगे हैं। और एक सबसे बड़ी इसकी पहचान क्या है कि हमारी व्हिप्ड क्रीम बनकर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है या नहीं। ये देखिए, ये जो बाउल है, अगर ये बाउल को मैंने ऐसे उल्टा किया और ये बिल्कुल भी आपकी क्रीम नीचे नहीं गिर रही तो इसका मतलब हमारी व्हिप्ड क्रीम जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए, कुछ भी नहीं गिर रही है, ठीक है। ये देखिए, सबसे बड़ी इसकी पहचान यही है कि हम इसको पोर कर रहे हैं, इसको हम नीचे डाल रहे हैं तो ये नीचे नहीं गिरेगी। इसका मतलब हमारी व्हिप्ड क्रीम बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए, ये तो हमारी बन गई वेनिला व्हिप्ड क्रीम। अब मैं स्ट्रॉबेरी व्हिप्ड क्रीम कैसे बनाई जाती है वो बताऊंगी आपको। ये मैंने स्ट्रॉबेरी को, इसका पल्प निकाल लिया है स्ट्रॉबेरी का, उसको गर्म पानी में करके अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसमें डाल देंगे। ये स्ट्रॉबेरी मैंने सारी इसमें डाल दी है, ये अब हमारी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की व्हिप्ड क्रीम बन जाएगी। इस तरह से ये मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी पल्प डाल दिया है और मैं इसको स्पैचुला की हेल्प से हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, बस ज्यादा नहीं। अभी देखिए, ये अब हमारी बन गई है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड व्हिप्ड क्रीम। ये देखिए। और फ्रेंड्स, मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूं। मैंने 100 ग्राम के करीब, मैंने मतलब ये समझ लीजिए आप 7-8 स्ट्रॉबेरीज ली मैंने, उनको बीच में से मैंने कट कर लिया था, थोड़े से पानी में उनको बॉईल कर लिया था और फिर उनको मैंने क्रश कर दिया तो वो मेरा पेस्ट की तरह बन गया था। और अगर हमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की व्हिप्ड क्रीम चाहिए तो पहले उसके लिए हमें व्हिप्ड क्रीम बनानी होगी, फिर आप उसमें इसको पल्प को डाल दीजिए तो ये हमारा स्ट्रॉबेरी व्हिप्ड क्रीम बनकर बिल्कुल तैयार है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि अगर आप इतना सब कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप, हम 5 मिनट में भी हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की व्हिप्ड क्रीम तैयार कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, कि इसके लिए जो मिक्स फ्रूट जैम आता है, जो बच्चे या हम सब ब्रेड पे लगा के खाते हैं, हम उसको भी इस व्हिप्ड क्रीम में डाल सकते हैं। उससे भी वही फ्लेवर आता है जो रियल स्ट्रॉबेरी से आता है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम कम है, हमें इंस्टेंट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की व्हिप्ड क्रीम चाहिए, तो उसके लिए हम ये जैम को, मिक्स फ्रूट जैम को हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज हमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की ही डालनी चाहिए। अब ये हमारी बन गई है स्ट्रॉबेरी व्हिप्ड क्रीम। ये देखिए,
अभी देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये चोको पाउडर ये थोड़ा सा ले लिया था, मेरे पास था। अब हम इसमें डाल देंगे इसको। ये चोको पाउडर था मेरे पास, मैंने इसको थोड़ा सा इसमें चॉकलेट और डाल के इसको मेल्ट करके ये मैंने बना ली थी। इसको भी मैंने व्हिप्ड क्रीम में डाल के ये मैंने चॉकलेट फ्लेवर की व्हिप्ड क्रीम बना ली है अपनी। और ये ध्यान रखिए कि सभी, चाहे आप कोई भी फ्लेवर बना रहे हैं, सभी के लिए पहले आपको ये व्हिप्ड क्रीम व्हाइट वाली ही बनानी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं बनती है। और हाँ, ये जो चोको फ्लेवर, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कोको पाउडर से ये मैंने घर में ही अपने चॉकलेट फ्लेवर की व्हिप्ड, अभी देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बन गई है चॉकलेट फ्लेवर व्हिप्ड क्रीम। ये देखिए बन गई ना बिल्कुल घर पे ही। और ये जो है, जो हमारी वेनिला व्हिप्ड क्रीम है, उससे इसका 1.5 गुना ज्यादा इसका प्राइस है मार्केट में। तो इसलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, घर पे ही ये मैंने कोको पाउडर से ये व्हिप्ड क्रीम बना ली है। व्हिप्ड क्रीम बनाकर उसमें मैंने कोको पाउडर डाल दिया है और इसमें हम स्पैचुला की हेल्प से इसको चर्न कर देंगे। थोड़ा सा ही करना है, ज्यादा नहीं। ये हमारी चॉकलेट फ्लेवर व्हिप्ड क्रीम ये हो गई बिल्कुल तैयार। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी व्हिप्ड क्रीम की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।